परमाणु से शिमला तक फोर लेन निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो इस फोर लेन के किनारे पर रह रहे हैं, क्योंकि बरसात आने पर जहां एक ओर मिट्टी का मलबा उनके घर में घुस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बरसात का पानी सड़कों से होते हुए उनके घरों में कहर मचा रहा है। हद तो ये हो गई है कि शिकायत पर सुनवाई भी ना के बराबर हो रही है। लोग शिकायत करते रह जाते हैं और मकान उनके सामने ढहने लग जाता है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सोलन के अंजी में देखने को मिला है, जहां एक वृद्ध दंपति अपने ही घर में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फोरलेन की ढलान उनके घर की तरफ है, जिसकी वजह से सड़क का पानी नाले के रूप में उनके घर में घुस रहा है, जिसकी वजह से बारिश शुरू होते ही बच्चों को बरामदे में बिठाकर रात गुजारनी पड़ती है, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। घर में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। वृद्ध महिला कांता देवी और घर में रहने वाले किराएदारों ने कहा कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। वो अपने वृद्ध पति और बच्चों के साथ घर में रहती है। बारिश का पानी उनके घर में काफी समय से घुस रहा है, जिसकी वजह से उनके घरों में दरारें पड़ना शुरू हो चुका है, जिसका जिम्मेदार वो NHAI के अधिकारियों को मानती है, क्योंकि उन्होंने सड़क की सारी ढलान उनके घर की तरफ कर दी है और जिस नाले में वो सड़क का पानी डाल सकते थे उसे बंद कर दिया गया है। सर, ये जब ये आपका ये बारिश का पानी आता है, सारा सारा नीचे आता है और ये मेरे सारे कमरे खराब हो गए हैं, ये और ये बेड वगैरह सब खराब हो गया है, सारी सीलन अंदर आती है बारिश में, और जो ये आप डंगा है इससे सारी बारिश का पानी अंदर आता है, सब खराब हो चुका है आसमान। ये सर, ये जो इन्होंने लगा रखा है, ये दंगा लगा रखा है, शायद इस वजह से आता होगा अंदर को पानी सारा, जो सड़क का पानी सड़क का अंदर को ही आता है, और बारिश काफी होती है तो सारा पानी ये पैराफिट से नीचे को उतरता है और सारा फिर एक कमरों के अंदर आता है, तो सारा पानी। सर, डर तो लगता है, अब जब बिजली कड़केगी, जब पानी आएगा तो डर तो लगेगा ही, डर भी लगता है सर, बहुत आता है सर, ऐसे लगता है सर झरना आ गया पूरा का पूरा पानी आता है सर, बहुत दिक्कत होती है, और कई बार तो बच्चे के साथ रहते हैं तो बहुत परेशानी होती है, ऐसा दिल करता है कि कहीं चले जाए, पर जाए कहाँ, घर बारी है या सब कुछ है, या जाना भी नहीं होता कहीं, तो डर तो लगता है सर। सर, ये ठीक करवाया जाए ये सारा, आप इसके ऊपर कुछ बिच लगाओ, कुछ ऐसा लगाओ कि पानी इधर को ना उतरे, तो घर को भी खतरा ना हो और पानी भी ना उतरे, किस तरीके से कुछ लगाओ यहाँ पे, कुछ नाले में पानी जाएगा थोड़ा बहुत जाएगा, बाकी सारा सड़क से इधर सारा लेंटर से उतर के इधर को ही आता है सारा। उसका जी, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। सर, आपको पता है कि आजकल बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में जो नदी नाले उफान पे रहते हैं, ऊपर से पहाड़ों के गिरने का खतरा, तो अब जो हमारा रूम है ये बिल्कुल NH के डंगे के साथ है, जब बारिश आती है तो मतलब कि इतना डर का माहौल रहता है कि कब ये डंगा गिर जाए, बारिश में पूरा पानी डंगे के ऊपर से नीचे बहता है, यहाँ लेंटर है, लेंटर के ऊपर से आएगा, सड़क का सारा पानी अंदर आता है घर के अंदर, अभी आप देखेंगे ये सारा गीला है यहाँ पे, पूरा सीलन से ख़राब हो चुकी है, दीवारें ख़राब है, हर चीज़ ख़राब है, तो इससे तो सामान भी ख़राब हो रहा है। ये देखिए हमारा बाथरूम, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए क्या हाल है सीलन से, ये देखिए ये साथ में डंगा है तो ये दीवारें भी फट चुकी है डंगे से, अभी आधा घंटा पहले यहाँ बारिश हुई थी तो पूरा पानी डंगे से नीचे उतर रहा था, मतलब कि वो नाले की तरफ नहीं जाता, यहाँ पे साथ में नाला है तो नाला का पानी उसमें से कम, सड़क के ऊपर से डंगे से ज़्यादा उतरता है, तो उससे मतलब ही खतरा बना रहता है, कभी भी डंगा बैठ सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो डर लगता है सर बरसात के दिनों में तो, खासकर क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, अभी ये तो पहाड़ है कभी बैठ सकते हैं, तो कोई विश्वास नहीं, अभी पूरा पानी यहाँ 3-4 जगह पूरा डंगे से उतर रहा था, पूरा मतलब कि जिस तरह के वाटरफॉल उतरता है उस तरह से उतर रहा था, कुछ लेंटर पे से आ रहा था, तो हमारे को खिड़कियां बंद करनी पड़ती क्योंकि पानी उसकी वजह से अंदर की तरफ आ जाता है। फिर सरकार से सर हम यही चाहते हैं कि इस पानी का कुछ निपटारा किया जाए, ताकि इसको उचित स्थान तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर ऐसे डंगे से पानी उतरेगा तो खतरनाक है। कांता देवी नाम है मेरा, बट ये नसाल अंजी में आता है ये मकान, तो जब से इनकी सड़क बनी है तब से एक बूंद भी इनकी कलवट में नहीं गई, पूरे का पूरा पानी इस टाइम मेरे घर पर है, और मैं कल्ली लेडीज हूँ जिसने अपने छोटे छोटे बेटे के बच्चे भी देख रहे, खुद भी अपनी, और मैं बीमार अवस्था में हूँ, और शिमला डायरेक्टर से मैंने अपील कर ली, फोटो उनको दे दी,
सीढ़ियाँ मेरे पास पड़ी है जब से इनकी फोर लेन बननी शुरू हुई है, और कलवट में तो इनके पानी जाता ही नहीं। परली खड से लेके इधर के पड़ाव से लेके पूरा पानी मेरे घर पर है। डर लगता है जी, रात को अगर किसी टाइम अकेली भी होती हूँ बच्चों के साथ, जो मेरे पति है वो बहुत बुजुर्ग है, 80-90 साल की एज में इस टाइम, वो कुछ नहीं कर पाते। पोता है मेरा वो 15 साल का है, एक बेटी मेरी पढ़ने बाहर गई हुई है, एक पोती है बस, दो बच्चियां हैं, एक मैं हूँ। खुद करना पड़ता है, मैं गिनती बेलचा लेके खुद लगती हूँ, मजदूर भी लगाए। और जब इन्होंने लुक बिछाई थी तो मैंने इनको बोला था कि यहाँ तक लुक बिछा दो, और आपने पैराफुट बहुत नीवे छोड़े, इससे पानी मेरे घर पर आएगा, जितने पैराफुट लगाए आपने इतना ऊंचा डंगा दो, डंगे के ऊपर फिर पैराफुट लगाओ। फिर इन्होंने वहीं के वहीं छोड़ दिए। मैं तो यही मांग करती हूँ जी, एक तो कलवट में पानी डाले, जो मेरा नुकसान हुआ मुझे उसको मेरे को दिलाया जाए। हाँ जी, बड़ी मेहनत से बनाया मकान जी, इस टाइम मकान में कुछ हो जाए हलचल तो क्या करूँगी मैं, कुछ नहीं कर सकती। और मैं जब भी बाढ़ से आती है, जब भी बरसात पड़ती है, तभी भी डिपार्टमेंट के आगे आगे घूमती हूँ।